नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मोहिनी ब्लॉग में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, हम सब भी एकदम बढ़िया हैं। टाइम हो गया है 9, मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं, बच्चे तीनों यहीं पर हैं, गन्नू लड्डू और अंशु तीनों यहीं पर। आज अंशु की छुट्टी है क्योंकि आज मैंने कोई काम नहीं करा है, बस इतना साफ करके रखा हुआ है यहाँ पर और इनको बैठा दिया है। यहाँ पे लोग टीवी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है? तारक मेहता का छोटा चश्मा। और मैं कर रही हूँ भिंडी कट, क्योंकि अभी मैंने भिंडी कट नहीं करी है, मतलब सब्जी वब्जी नहीं बनाई है, पराठे बना के रखे हुए हैं सुबह इन लोग। हाँ, सबको हाई कर दो बच्चों, हाय करो और गुड मॉर्निंग बोलो सबको। हाँ तू बोलो नानी, इसे अभी बोलने नहीं आता, तू नानी बोल रहा है, गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। तो भाई मैं अपना काम करती हूँ शुरू, पहले सब्जी कट करती हूँ, उसके बाद ना अपना और काम करती हूँ, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता भी नहीं करा, भूख तो लगी है। गाइस, मैंने सब्जी कट कर दी है, ये रही मेरी भिंडी। वैसे ना मैं अभी बनाऊंगी नहीं, पता नहीं कब बनाऊंगी, तो अभी मैं इसे ढक के रख देती हूँ। ऐसे मैंने ढक दिया है इसको थाली से, और प्याज भी छिल छाल के रख दिए हैं, इनको बाद में ही कट करूँगी जब सब्जी बनाऊँगी। तो पहले मैं कर लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि बहुत तेज की भूख लगी है। चाय तो मैं अपने लिए बनाऊँगी नहीं, क्योंकि ना दूध बहुत चाहिए है, बस गन्नू पिएगा अभी थोड़ी देर में। तो मैं अचार के साथ पराठे खा लेती हूँ, उसके बाद अपना काम करूँगी, बच्चों को नहलाऊंगी, झाड़ू पोछा कर दूँगी, क्योंकि अभी पेट पूजा कर लेते हैं पहले। गाइस, टाइम हो गया है 10:30 और मैंने बिना आलस करे अपना झाड़ू लगा लिया है नाश्ता करने के बाद, और तीनों बच्चों को नहला लिया है। यहाँ पे अंशु है, लड्डू नहीं गन्नू है, लड्डू बाहर गया है। हाँ, ये लो। और अभी मैं पोछा करती हूँ, उसके बाद मैं भी नहाने के लिए जाऊँगी। हाँ, आज मेरा काम जल्दी जल्दी हो रहा है शायद। अरे करने देगा, क्योंकि अभी ये खेल रहा है, इसे रोना भी शुरू कर सकता है ना। हाँ चलो, बिना देरी के स्टार्ट करे हुए अपना काम शुरू करती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। गाइस, टाइम हो गया है 12 और मैं 11:30 नहा के आ गई थी, और देखो गुन्नू इधर उधर घूम रहा है। यहाँ पे अंशु ना रोटी खा रहा है, इसे भूख लग गई थी, बर्तन लगा रखे है कपड़े धोने के लिए, तो जब तक मेरे कपड़े धुलते हैं तब तक मैं अपनी बिंदी लगा लेती हूँ, मांग भर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े मैंने बहुत पहले घुमा दिए थे, बस धुलने ही वाले हैं। गाइस देखो, मैंने बिंदी लगा ली और मांग भर ली यहाँ से लेकर यहाँ तक। आज मैंने सीधी मांग निकाली थी ना, तो मैंने पूरी की पूरी भर ली, और अब मैं निकालती हूँ अपने कपड़े। अंशु पानी ऑन कर दे बेटा, अंशी पानी ऑन कर दे, कपड़े निकाल। टाइम हो गया है 1:30, किचन में गई, मैंने कहा फटाफट से दाल चावल बना लेती हूँ, तब तक देखा तो घर में कुछ है ही नहीं खाने के लिए, चावल भी खत्म, आटा भी खत्म।
फिर अभी भाग के गई दुकान लेके आई हूँ। अभी ये चावल है, ये आटा है। अब फटाफट से क्या बनाऊँ समझ नहीं आता। खिचड़ी बना दूँ? खिचड़ी खिचड़ी नमकीन चावल बना रही हूँ। बहुत लेट हो गई वो। गाइस मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो मम्मी उड़ के जा रहा है, देख रहे हो? मेरे को देखता है ना इस तरीके से। मेरा प्यारा सा बच्चा देखो ना कैसे जा रहा है। कहाँ जा रहे चुन्नी उड़ के? मेरा बच्चा थु 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 नजर ना लगे मेरे बेटू का। चुन्नी उड़ने वाला, इसको तो भगवान ने लड़की बनानी थी। ऐसे ठुमुक ठुमुक जा रहा है चुन्नी उड़ के। खाना बना लिया मैंने, नमकीन चावल बनाए हैं। मैं और अंकु खाते हैं क्योंकि अभी लड्डू सो रहा है। अरे यार गुन्नू को भी खिलाते हैं साथ में। अरे दही घेर देगा बाबू ये संभाल के जरा। अरे दही की तो चिंता नहीं। गाइस टाइम हो गया है 6 दिन का। खाने खाने के बाद ना मैंने एक ब्लॉग एडिट करा और फिर उसे अपलोड करा तो उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर मैंने बर्तन धोए थे दिन के खाना खाने के, और बर्तन धोने के बाद फिर हमने चाय बनाई, चाय पी और मेरे फ़ोन पे बैटरी नहीं तो मैंने चार्जिंग लगा दिया। उसके बाद मैंने कोई फोन नहीं करा था। और सब्जी बना के रख दी है भिंडी की क्योंकि सुबह कट करी थी, तो अब मैं आटा गूंदूंगी। बच्चों के साथ ना ढेर सारा काम हो जाता है सच में। और इधर उधर देखो, सुबह से सफाई करो और फिर शाम तक वैसे ही कर देते हैं बाहर सोफा ना। इन्होंने नमकीन सब चीज़ गिरा रखे हैं, दूध वूध पिया तो सारा फैला रखा हुआ है। तो मैं पहले ना सही करती हूँ, उसके बाद मैं रोटी बनाती हूँ क्योंकि आज यहाँ ना लाइट जा रही है बार बार। तो जब मैं सब्ज़ी बना रही थी ना उस टाइम भी लाइट गई थी तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। और अभी मेरे हस्बैंड जी का फ़ोन आया था कि फटाफट से रोटी बना लियो, लाइट जा सकती है। तो पहले मैं ना यहाँ सही कर देती हूँ और फिर रोटी बनाती हूँ। चलो बाय। सॉरी करो, सॉरी 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 सॉरी। ना ले क्या धो रखा है? ओहो नो, गिर जाओगी बेटू। इसको लड़के को देखो जरा। नहीं